हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज आपके डिमांड पर केमिस्ट्री का एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आप जो है वह जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और इस पहले क्वेश्चन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है, यानी किसका प्रयोग करके पेट में जो अम्ल बनता है उसको रोका जाता है। देखिए बाबू, यहाँ पे तो इस दवा का नाम है प्रत्यम्ल। इस दवा का नाम क्या है बाबू? प्रत्यम्ल। इसके प्रयोग से पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं और ये जो है वह एंटासिड भी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? एंटासिड भी कहलाता है। और कुछ प्रमुख एंटासिड जिसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्लियर है? ये एक हो गया। दूसरा, आप जो है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनका प्रयोग एंटासिड के रूप में हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी जो दर्दहारी दवा है, जितनी भी एनाल्जेसिक दवाएँ होती हैं, एनाल्जेसिक दवाइयाँ जो होती है, इन दवाइयों का प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में करते हैं। ज्वरनाशी जो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ होती हैं, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ जो होती है, उनका प्रयोग हम लोग जो है वह ज्वरनाशी के रूप में करते हैं। और एंटीबायोटिक का प्रयोग, जिसको हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं, इसका प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में करते हैं। जैसे एक पूर्ण एंटीबायोटिक जो है वह प्रतिजैविक पेंसिलीन है। पेंसिलीन जो है हुआ एक पूर्ण प्रतिजैविक है, इसको आप लोग को ध्यान देना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप यानी बुखार को कम करता है। तो देखिए, जो दवा बुखार कम करने में प्रयोग में लाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वरनाशी। क्या बोलते हैं बाबू? ज्वरनाशी। जैसे आपका जो ज्वरनाशी है, जैसे जो भी एनाल्जेसिक दवाइयों का प्रयोग भी मोस्टली ज्वरनाशी के रूप में हम लोग करते हैं, है ना। तो जैसे पारासीटामोल हो गया, कालपोल्टी हो गया, इनका प्रयोग दर्द और बुखार में हम लोग जो है वह क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन कौन है? तो देखो बाबू, यहाँ पे ये आपका सैक्रीन है, ये भी कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। स्पार्टिम भी कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। सोडियम साइक्लोमेट भी कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। यानी ये तीनों के तीनों जो है वह कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे तो कहा जाता है कि सैक्रीन का जो मीठापन है वह सुक्रोज से 500 गुना ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार पूछा गया है कि ग्लिसरॉल है। ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरॉल का हम सूत्र लिख रहे हैं, ये CH2OH है। यहाँ पे देखिए CHOH, फिर CH2OH। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लिसरॉल जो है वह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात हम लोग एथिलीन ग्लाइकोल की अगर कर लेते हैं, तो CH2OH, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे CH2OH, ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल है। क्या बाबू? एथिलीन ग्लाइकोल है। और इस एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग जो है वो हम लोग जनरली रेडी वाटर्स वगैरह में करते हैं। और ये जो है ये द्वि हाइड्रिक अल्कोहल है। ये क्या है? द्वि हाइड्रिक अल्कोहल। क्या है? द्वि हाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंजाइम क्या है? देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एंजाइम हम लोग किसको कहते हैं? तो एंजाइम जो है वह एक प्रकार का क्या होता है बाबू? प्रोटीन होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बूना यन तथा व्यूना एस है,
तो ब्यूना एन और ब्यूना एस जो है एक प्रकार का रबड़ है जो कि संश्लेषित है, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। लेटेक्स जो है वह रबड़ का ही एक प्रारूप है, जिसके अस्कंदन से हम लोग जो है वह प्राकृतिक रबड़ को प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो बाबू, निम्न में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वैसे इम्पॉर्टेंट है और संघनक बहुलक वाला क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा, ग्लिप्टॉल आपका संघनक बहुलक है, नायलॉन 6-6 है, PTFE भी है, लेकिन नियोप्रीन जो है वह ये योगशील बहुलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, योगशील बहुलक का उदाहरण। तो इसलिए जो है जिसको हम लोग जो है संश्लेषित रबड़ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, संश्लेषित रबड़ भी कहते हैं नियोप्रीन को। तो ध्यान दीजिएगा, संश्लेषित रबड़ का जो एक लक है वो क्या है, नियोप्रीन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है। देखिए प्राथमिक एमीन को जनरली हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड विधि द्वारा बनाते हैं, होफमैन ब्रोमाइड विधि द्वारा। अब देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये देखिए CH3NH2, ये आपका मेथिलेमिन है, ये मेथिलेमिन की प्राप्ति किस विधि द्वारा की जाती है, एथिलेमिन की प्राप्ति, तो होफमैन ब्रोमाइड विधि। अब इसके लिए हम लोग जो है वह एक रिएजेंट का प्रयोग करते हैं जो आपका क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे कास्टिक पोटास है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, आराम से देखिए और कॉपी कलम को खोल कर रखिए, जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए, नहीं तो जल्दी से आप स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आयोपेक नाम लिखना है। तो यहाँ पे आयोपेक नाम लिखना है, देखिएगा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये एसिड एमाइड समूह क्या है बाबू, एसिड एमाइड समूह है CONH, और इसमें जो है हुआ नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ आपका एथिल समूह। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एन एथिल, और इधर एसिड जोड़ एमाइड क्या हो जाएगा, एसिटामाइड। तो कुल मिलाकर के देखें तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आयोपेक नेम से भी जो है वह क्वेश्चन रहता है बाबू, तो एक बार आप रफली नोमनक्लेचर को देख लेना अच्छे तरीके से, अगर आप नोमनक्लेचर देख लोगे तो दो चार सवाल आपका यूं ही क्लिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है। देखिए यहाँ पे ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट है, आप ध्यान से देखना बाबू, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कैल्शियम फॉर्मेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है, बनता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं। आगे चलते हैं, पैराल्डिहाइड किसका त्रिव्यक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैराल्डिहाइड जो है वह एथेनल का त्रिव्यक, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एथेनल। स्पष्ट है ना बाबू। अगले प्रश्न की तरफ चलो, निम्नलिखित में से कौन एकल सैकराइड है। एकल सैकराइड किसको बोलते हैं बाबू, यानी वैसा सैकराइड, वैसा कार्बोहाइड्राइड जिसको और छोटे जो है वह भाग में, छोटे पार्ट में हम लोग नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर देखिए सुक्रोज जो है हुआ डाइसैकेराइड है, मल्टोज लैक्टोज, ये तीनों के तीनों क्या है बाबू, डाइसैकेराइड है। जरा सा बात इस पर हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। मल्टोज क्या है बाबू, तो मल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, मल्टोज बनता है। और लैक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। और फ्रक्टोज जो है वह फल सरकरा है, ये C6H12O6 ये मोनोसैकेराइड है, ये फल सरकरा भी कहलाता है। इन सबों में सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, तो इन सबों में सबसे ज़्यादा मीठा भी कौन होता है, तो फ्रक्टोज होता है।
लैक्टोज को आप लोग दुग्ध शर्करा भी कहते हो, लैक्टोज को आप लोग क्या कहते हो बाबू, दुग्ध शर्करा भी कहते हो। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम लोग इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, इन्वर्ट शर्करा। तो इस प्रकार से सारे चीज़ों को हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3COOH का आयोपेक नाम, पहले इसके साधारण नाम को देख लो बाबू, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एसिटिक अम्ल। और अप्रॉक्सीमेटली 7% सांद्र एसिटिक अम्ल को जो है हम लोग सिरिका, क्या बोलते हैं, सिरिका या विगेनर बोलते हैं, है ना, आप ध्यान दीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एकदम निश्चित रूप से याद रखिएगा। इसका आयोपेक नाम क्या हो जाएगा, 1-2 एथेन प्लस ओइकम, एथेनोइक अम्ल, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार पूछता है, हमने तो पहले ही कहा कि नोमेनक्लेचर वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है 2024 में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। देखिए, सिल्वर मिरर जांच देने वाला यौगिक कौन है, तो वो है फार्मिक अम्ल। क्या है बाबू, फार्मिक अम्ल, जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में। तो लाल चींटी के डंक में पाए जाने वाला जो फार्मिक अम्ल है वो सिल्वर दर्पण परीक्षण देता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही बात। चलते हैं आगे, एथॉक्सी एथेन कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथॉक्सी एथेन का फार्मूला लिखना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका क्या है, एथॉक्सी एथेन है। इसके साधारण नाम क्या हो जाएंगे, तो इसके साधारण नाम हो जाएंगे डाई एथिल ईथर। अब ईथर का जो क्रियाशील समूह होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है, ये भी याद रखना है। इसके नोमेनक्लेचर की प्रक्रिया क्या है, ध्यान से देख लेंगे। इस दोनों में जो छोटा वाला रहेगा उसको ऑक्सीजन के साथ कंसिडर करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, अगर दो कार्बन वाला कोई एल्किल समूह है तो उसको हम लोग एथ करेंगे, एथ प्लस ऑक्सी एथॉक्सी, और दो कार्बन का संगत अल्केन एथेन, तो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो बाबू, 1°, 2°, 3° अल्कोहल में अंतर ज्ञात करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी विभिन्न प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों में हम लोग विभेद कैसे करते हैं, तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी विभेद कर सकते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक द्वारा भी विभेद कर सकते हैं, और विक्टर मेयर परीक्षा द्वारा भी, यानी तीनों प्रक्रिया द्वारा हम लोग जो है 1°, 2° और 3° अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। ध्यान से देखिएगा, इथेनॉल जो है वह जल में क्या है, घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है। देखिए ये आपका इथेनॉल है, क्लियर है ना बाबू, और ये आपके जल के अणु हैं। तो इथेनॉल और जल के अणु के बीच जो है वह हाइड्रोजन बंधन बनता है बाबू, और इसी कारण से जो है वह इथेनॉल जल में क्या होता है, विलेय होता है या घुलनशील होता है। तो इसका जो मूल वजह है वो क्या है, तो वो आपका हाइड्रोजन बंधन का बनना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ हम लोग शुष्क एथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उच्च अल्केन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, उच्च अल्केन की। इस अभिक्रिया को हम लोग वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, देखिए जो भी एल्कीन है, सबसे पहले इनके सामान्य सूत्र को देख लेते हैं, CnH2n। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका एथीन है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग जो है वह कोई भी असममित अभिकर्मक का भी योग करवा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से कहें तो ये एक प्रकार से योगशील अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया देता है बाबू, योगशील अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के देखें तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा।
अस्पष्ट हैं, ये तमाम क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, इथेन में कार्बन का संकरण क्या है? आप ध्यान से देखेंगे ये आपका इथेन है CH3, यही आपका इथेन, और इथेन में जो कार्बन का प्रसंकरण होता है वो sp3 होता है। क्या होता है बाबू? sp3। देख लीजिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका एथीन है, और एथीन में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है, और ये आपका जो है हुआ एथाइन है, ये आपका क्या बाबू? एथाइन है, और इसमें जो कार्बन का प्रसंकरण होता है वो क्या होता है? sp होता है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, यानी एल्किल हैलाइड को हम लोग अल्कोहल में बदल सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, इसको अगर हम लोग NaOH के जलीय विलयन के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाता है आपका एथेनॉल। क्या बन जाता है बाबू? ये एथेनॉल बन जाता है, और साथ ही सोडियम क्लोराइड का भी क्या होता है? निर्माण होता है। आप देखो बाबू, ये जो अभिक्रिया हुई ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण, किसके कारण? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की मौजूदगी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो, देखो क्या है, निम्न आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बार बार मैंने बताया भी है। तो प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो उसको हम लोग प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो Zn2+ जो है वह क्या है? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देख लो जोड़ करके, जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30, 30 में दो इलेक्ट्रॉन जो है वह चला गया, बचा कितना? 28, 28 में जो है वह 18 आर्गन के पास चला गया, 3D में कितना बचा? 10। अगर यहाँ पे 3D में 10 बचा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है बाबू? नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन को आप निकाल करके चेक कर सकते हो, सब में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मैं कॉपर का निकाल करके आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग कॉपर का जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आर्गन 18, 3D 10 और 4s क्या होता है? 1। अब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा बाबू तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन 3D से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3D 9। तो 3D 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक है, तो यानी ये प्रतिचुंबकीय ना होकर के क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। आप बाकी के भी निकाल सकते हो। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए एक आपका जो है हुआ जटिल यौगिक दिया गया है, इसमें जो है हुआ क्रोमियम की उपसहसंयोजन संख्या पूछी जा रही है। ये भी बहुत स्टार क्वेश्चन है बाबू, क्योंकि उपसहसंयोजन संख्या जो है वह बार बार पूछी जाती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी पूछा जाएगा, प्रसंकरण भी पूछा जाएगा, संरचना भी पूछी जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिगेंड जो है वह ऑक्सिलेटो है, क्या है? ऑक्सिलेटो, और ऑक्सिलेटो जो है वह द्विदंतुर लिगेंड है। ऑक्सिलेटो क्या है? द्विदंतुर लिगेंड। ऑक्सिलेटो क्या है? द्विदंतुर लिगेंड, और इसकी संख्या कितनी है? 3। तो 3 × 2 = 6, यानी यहाँ पे क्रोमियम की जो है वह उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम कूल माइंड से मारना, एकदम ट्रैंक्विलाइज करके माइंड को मारना, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए एक काम तो ये भी कर सकते हो कि आप आयरन का कैथोड बना लो, दूसरा क्या कर लो कि खारे जल में इसको डाल करके रखो। बहुत सारा प्रक्रिया है ना, पेंट पॉलिश कर सकते हैं कैथोड बनाकर, उस पर जस्तीकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं, खारा जल में दुबा करके रखिएगा तो वैसे भी जो है वह सुरक्षित रहेगा। तो दोनों आंसर इसका सही है, यानी ए और बी दोनों विकल्प इसका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलो,
निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है अनुचुंबकीय है, ध्यान से देखिएगा अनुचुंबकीय कौन है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिंक में तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये तो प्रतिचुंबकीय होगा। अब आप कॉपर की बात कर लो तो यहाँ पे जो है हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो ये जो है हुआ आपका क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय। आप इसको निकाल करके देख लेना बाबू क्या आता है अपने हिसाब से। आगे चलते हैं, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी होता है? मैंने पहले ही कहा कि जब हम लोग वर्ग 14 में आते हैं जिसको कार्बन वर्ग कहते हैं, तो वर्ग 14 में आते हैं तो ऊपर में कार्बन है ना, सिलिकन है, जर्मेनियम है, अस्टैटिनम है, प्लम्बम है, तो ऊपर से नीचे आने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है बढ़ता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पे PV जो है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनता है कि समुद्री जल से आयोडीन के निष्कर्षण की विधि का वर्णन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आयोडीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हीरे में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होता है? तो अगर आप हीरे की संरचना को गौर से देखेंगे तो हीरे की संरचना में आपको दिखेगा कि एक कार्बन जो है वह 4 अन्य कार्बन से क्या होता है, बंधा होता है। तो जब एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से बंधा होगा तो इसका प्रसंस्करण क्या होगा, वो sp3 होगा, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात ग्रेफाइट की कर लेते हैं, तो ग्रेफाइट की संरचना में क्या होता है कि एक कार्बन जो है वह 3 अन्य कार्बन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। एक कार्बन कितने कार्बन से बंधे होते हैं, 3 अन्य कार्बन से। तो इस प्रकार से इसका प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, sp2। अगला सवाल जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। H3PO3 है, यानी इसकी भास्मिकता पूछी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके स्ट्रक्चर को आप बना लो, देखोगे इसके स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा इस प्रकार से कुछ, ध्यान से देखना। तो POH बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो POH बॉन्ड की संख्या 2 होती है, और जितने POH बॉन्ड की संख्या होगी वही इसकी भाष्मिकता होगी, यानी ये क्या होगा, द्विभाष्मिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका शून्य है? देखिए NF3 की बात करें तो NF3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आपका फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो अधिक पोलर है, और अधिक पोलर होने की वजह से जो है वह इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन BF3 की अगर बात करते हो बाबू, तो BF3 की अगर बात करते हो देखो इस तरह से, इसका डायपोल मोमेंट जो है वह कुछ इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से, और इसका जो है वह अपवर्ड, यानी इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है जितना ऊपर की तरफ है उतना ही क्या है, नीचे की तरफ। तो नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, 0 होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी BF3। क्लियर है? देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो साधारण नमक को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, साधारण नमक को रॉक साल्ट भी बोलते हैं, या साधारण नमक को हम लोग जो है वह टेबल साल्ट भी बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्पेल्टर है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि स्पेल्टर जो है वह अशुद्ध जिंक होता है, अशुद्ध जिंक को क्या कहते हैं, स्पेल्टर कहते हैं, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए जिंक ब्लेंड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ZnS, यह एक क्या है, सल्फाइड अयस्क है, और आपको पता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वह फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे का मुख्य अयस्क कौन है बाबू? तो मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है, सिडेराइट भी लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है, यानी सभी जो है वह लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।